हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन्स किचन एंड व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही बड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर में अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए, और आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही ईजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और आसान तरीके से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कप मूंग की दाल धुली हुई ले लेंगे और एक कप उड़द की दाल धुली हुई, जिनका छिलका निकला हुआ होता है वो धुली हुई दाल होती हैं। एक एक कप हम वो लेंगे उड़द की और मूंग की दाल, उन्हें भिगो के रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, और उसके बाद उसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बना के यहाँ पर मैंने रेडी किया है, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको फेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं विस्कर की हेल्प से इसको फेंट रही हूँ, हाथ से भी आप इसको फेंट सकते हैं। अच्छे से इस दाल को हमें फेंटना है, इस तरह की कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे। ये देखिए, और जब हम इसे फेंटेंगे तो ये थोड़ी सी खुद ही लिक्विडी सी हो जाएगी थोड़ी सी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी विस्कर की हेल्प से आप इसको फेंट सकते हैं और हाथ से भी आप इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, इसको जब हम मिक्सी में पीसेंगे तो थोड़ा सा दानेदार ही रहना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। दाल को हम थोड़ा सा दानेदार ही रखेंगे, उसके पेस्ट को अब मैं इसे अपने हाथ से फेंट कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसको फेंट सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट हमें इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से इस तरह से फेंटना है। और ये देखिए फेंट करिए, कुछ इस तरह से रेडी हुई है। अब इसमें मैं नमक और 2 चुटकी सोडा और जीरे का पाउडर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। जीरे को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, भून के तवे पर दरदरा पीस लिया है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक का यूज़ किया है। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल उसमें गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। एक बार हाथ से चेक कर लेंगे, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और इस तरह से एक एक करके यहाँ पे हम दही बड़े को ऐड करते जाएंगे। थोड़ी देर एक साइड से सिकने के बाद हम इसको पलटेंगे और अच्छे से ऑयल में चम्मच की हेल्प से इसको स्टर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर सेकने के बाद हमारे दही बड़े कुछ इस तरह से रेडी हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए बैटर को फिर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना बचा हुआ बैटर इसमें अब ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि ऑयल ज़्यादा हॉट ना हो, कि वरना एकदम से दही बड़े डालते ही उसमें जल जाए। ऑयल को हम अच्छा बस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और जल्दी जल्दी उसमें सारे अपने बाकी के दही बड़े ऐड कर देंगे। और ये भी रेडी है, इनको भी अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैं मैदा लिया है मैंने 2 कप, और इसमें हम मट्ठी बनाने की तैयारी करेंगे। जो दही बड़े में मट्ठियाँ यूज़ होती हैं, मैंने इस मैदे में 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 4-5 चुटकी अजवाइन ऐड की है मैंने, 1 टीस्पून समझ लीजिए। और
दो टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इस सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे गूंदना शुरू करूँगी नॉर्मल पानी से। नॉर्मल पानी ले लीजिए, हल्का गुनगुना ले लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी से इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और इसका एक हार्ड डो हमें तैयार करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी पहले ऐड किया है, उसे मिक्स किया, फिर थोड़ा सा पानी और ऐड किया, उसे मिक्स करके जैसे घर में हम आटा गूंदते हैं नॉर्मली ऐड करके, बस इसका डो हमें थोड़ा सा हार्ड बनाना है, जो कि उससे हमारी जो मठियाँ बनेंगी वो बहुत क्रंची होंगी, करकरारी मठियाँ हमें मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक हार्ड डो तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे, एक प्लेट से इसको ढक देंगे, और या तो किसी कपड़े से आप ढक दीजिए इसको। मैं यहाँ पे प्लेट से ढक रही हूँ, ढक के इसे साइड रख देंगे 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट बाद अपना डो चेक करेंगे हम यहाँ पर, और इसको एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। अब फ्रेंड्स, इस डो में से हम एक पार्ट लेंगे और उसमें हम लोई बना के उसकी और उसे बेलना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा बचा लिया था, जिसमें मैं इसे बेलने में इसका यूज़ करूँगी। और इस तरह से मैदे में हम लोई को लगा करके, मैदा लगा करके इस पे और बेलन की हेल्प से इसको बेल कर बड़ा करेंगे। इसकी एक बड़ी सी रोटी हमें तैयार करनी है बेल कर। किनारों पे से हम ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको पतला पतला बेल लेंगे। चारों तरफ से हमें इसको इक्वली बेलना है ताकि हमारी मठियाँ इक्वल बने। यहाँ पे हमने इसको बड़ा सा बेल कर तैयार कर लिया है, रोटी बना ली है इसकी। अब किसी भी किनोरी वाले गिलास के हेल्प से या आपके पास कटर हो तो उसकी हेल्प से आप इसको काट कर यहाँ पे मट्टी की शेप में काट कर रख लीजिए। और जितनी भी मट्टियाँ हमने यहाँ पे काट कर तैयार की हैं और उसमें हम छेद कर देंगे किसी फोक की हेल्प से, ताकि मट्टियाँ तेल में जाने के बाद फूले नहीं। और इस तरह से मैंने दूसरी लोई तैयार की है, अब उसे भी मैं यहाँ पे मट्टियों की शेप में कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे ग्लास की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहे कटर यूज़ कीजिए या आप कटोरी की हेल्प से कीजिए। और सेम उसी तरह से यहाँ पे फिर एक फोक की हेल्प से इसमें छेद करके और हम अपनी मठियाँ रेडी कर लेंगे। अब सारी मठियाँ इकट्ठी करके मैंने एक प्लेट में रख ली हैं फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे मैं ये सारी मठियाँ एक साथ, आप यहाँ पे बहुत सारी मठियाँ डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद वो अलग अलग हो जाएंगी खुद, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और डीप फ्राई कर लेंगे हम यहाँ पे, तेल को तेज़ गरम करेंगे और फिर उसके बाद आँच को एकदम मीडियम लो कर देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे, और मठियों को अच्छे से यहाँ पर फ्राई करेंगे। ध्यान रखें कि वो बिल्कुल कच्ची ना रह जाए, एकदम लो फ्लेम पे हम फिर इसको फ्राई करेंगे एकदम कड़क होने तक। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे चम्मच चलाएंगे और फिर दूसरी साइड से मठियों को अच्छे से सिकने देंगे, अच्छे से गोल्डन कलर आने तक।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मटियाँ ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन। फिर हम इसमें थोड़ा सा इसको चला देंगे और देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये निकालने के लिए रेडी है। कलर देखिए आप, इस तरह का कलर होना चाहिए और हमारी मटियाँ यहाँ पे निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी मटियाँ बनकर हमारी तैयार हुई हैं। इसी तरह से आप इनको, अब फ्रेंड्स हमारी मटियाँ तो रेडी हो गई हैं और जो पहले हमने दही बड़े बनाकर तैयार किए थे उन्हें हम खाने से कम 15 से 10 मिनट पहले हम पानी में भिगो के रख देंगे ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए और सर्व करने के लिए रेडी हो जाए। और बाकी दही बड़ों का आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, और जब भी आपको खाने हो आप 10-15 मिनट पहले ही उनको निकालें और पानी में भिगो दें। और इस साइड मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी दही की, जो हम दही बड़ों के ऊपर दही डाल के खाते हैं ना, तो वो दही हम दही ले लेंगे और उसको फेंट लेंगे 1 कप दही। और जितनी भी आपको मतलब बनाने हैं, जितने भी दही बड़े लिए हैं आपने, आपको ज़्यादा दही पसंद है तो आप ज़्यादा दही ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैंने दही यहाँ पे ली है और उसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अब फ्रेंड्स बारी आती है यहाँ पे हमारी सर्विंग की, तो मैं इनको सर्व करूँगी। और यहाँ पे मैं इनको सर्व करूँगी हरी चटनी बना लेंगे आप, हरे धनिए की चटनी और हरी मिर्च की चटनी जो होती है वो, और इमली की चटनी जो मैंने अपनी पहली रेसिपी छोले वाली रेसिपी में भी आपको बताई है कि अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। तो वही वाली अपनी खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी और दही के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। और ऊपर से कुछ मसाले हम इस पर डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने दही बड़े यहाँ प्लेट में लगा दिए हैं, फोड़ेंगे हम इनको थोड़ा सा और प्लेट में सर्व करेंगे। उसके ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ी सी दही ऐड कर रही हूँ, आपको ज़्यादा दही पसंद है तो आप इसको पूरा दही से कवर कर दीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी चटनी डाली है और इमली की मीठी चटनी डाली है, आपको जैसी पसंद है आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फिर जो मट्ठियाँ क्रंची मट्ठियाँ बना के हमने तैयार की थी वो कड़क कड़क हाथ से तोड़कर हम यहाँ पे इस पर डालेंगे। आपको जितनी मट्ठियाँ पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इस तरह से इसकी प्लेटिंग हम तैयार करेंगे। और इसके ऊपर से मैं कुछ मसाले यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप चाहें तो रेडीमेड बाहर से मसाला आता है दही बड़े का मसाला वो यूज़ कर सकते हैं, वरना यहाँ पे मैंने सादा नमक यूज़ किया है और काला नमक यूज़ किया है 2 चुटकी, और उसके ऊपर से लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है और चाट मसाला डाला है। यहाँ पे मैंने इन 3-4 चीज़ों का यूज़ किया है और स्प्रिंकल किया है, और यही खट्टी मीठी चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ मैं यहाँ पर इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको अच्छी लगी रेसिपी तो अपने घर पे इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी, बड़ों को ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।